हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज स्टॉक्स। तो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार शो के बारे में रिव्यू देने वाला हूं, जिसे मैंने आज ही देखकर ख़त्म किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आगे आपको डार्क डिज़ायर्स के ऊपर एक कम्प्लीट, ऑनेस्ट और स्पॉयलर फ्री रिव्यू देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ फटाफट से जाकर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। डार्क डिज़ायर्स एक मैक्सिकन थ्रिलर ड्रामा वेब टेलीविजन सीरीज है, जिसने 15 जुलाई 2020 में प्रीमियर किया था। मैक्सिको में प्रोड्यूस होने की वजह से यह शो आपको स्पेनिश लैंग्वेज में मिलने वाला है और यह शो आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगा। फिलहाल इस शो में सिर्फ एक ही सीज़न है, जिसमें आपको 18 एपिसोड्स मिल जाएंगे और हर एपिसोड की लंबाई करीब 32-35 मिनट्स की है। डार्क डिज़ायर्स का सीज़न 1 इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है कि हाल ही में यह ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि इस शो का सीज़न 2 2021 के मिड में बहुत ही जल्द प्रीमियर होने वाला है। ये शो इतना ज़्यादा अच्छा है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा। डार्क डिज़ायर्स का सीज़न 1 सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच नॉन इंग्लिश टेलीविजन शो था, जिसके 35 मिलियन व्यूज़ थे सिर्फ 28 दिनों में नेटफ्लिक्स में। तो दोस्तों, आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों आज भी यह शो नेटफ्लिक्स पर इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अब मैं आपको इस शो के ऊपर एक ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं, तो यह शो बेसिकली इंसान के अंदर छुपे हुए फैंटेसीज और डिज़ायर्स को पोर्ट्रे करता है, और इन्होंने यह चीज़ एक बहुत ही अच्छे स्टोरी के तौर पर पेश किया है। साथ ही दोस्तों, यह शो में हमें वुमेन को मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में भी बताया गया है, और दोस्तों लोगों को रेप्स के अगेंस्ट भी बहुत ही ज़्यादा अवेयर किया है इस शो ने। तो दोस्तों, यह शो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और इंटेंसिटी से भरपूर है, बट इसके बावजूद भी यह शो ने लोगों को और सोसाइटी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी दिया है। इन सब चीज़ों के अलावा यह शो एक परफेक्ट क्राइम थ्रिलर शो भी है, जिसमें मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, इस शो के सारे एपिसोड्स ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और आप इस शो को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देखने वाले हैं। बस एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यह है कि IMDb रिव्यूज़ को पढ़ते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि बहुत सारे लोगों ने यह लिखा था इस शो के ऊपर कि नेटफ्लिक्स वाले अगर इस शो को इंग्लिश ऑडियो में प्रेजेंट करते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। बट पर्सनली मैं तो स्पेनिश ऑडियो विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ इस शो को देखकर सेटिस्फाइड था। बट आप लोग कौन से ऑडियो में शो को प्रीफर करते हैं और आप लोग सबटाइटल्स प्रीफर करते हैं या नहीं सीरीज़ देखते वक्त, आप ये चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब हम इस शो के कैरेक्टर्स की बात करें तो इस शो के कैरेक्टर्स की एक्टिंग इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि वो आपके होश उड़ा देने वाले हैं। जिनमें से कुछ के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो है आल्मा सोलारेस, डारियो गुरेरा, जोए सोलारेस, ब्रेंडा कस्टिलियो, एस्टेबन सोलारेस और लियोनार्डो सोलारेस। तो दोस्तों, कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगा कि डार्क डिज़ायर्स एक बहुत ही बेहतरीन शो है, और अगर आपको क्राइम थ्रिलर शोज विद ड्रामा और इंटेंस रोमांस पसंद है तो देर मत कीजिए और फटाफट से डार्क डिज़ायर्स को देखिए, क्योंकि यह शो आपके लिए ही बना है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और दोस्तों साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि अगर आपने ये शो ऑलरेडी देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।